हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तंजीम। दोस्तों, आज रिलायंस जियो की तरफ से एक और बहुत ही बेहतरीन जॉब वैकेंसी लेके आ गया हूं मैं। और यहां पे तीन पॉइंट ऐसे हैं जो मैं इसलिए बेहतरीन बोल रहा हूं। पहली पॉइंट तो दोस्तों यहां पे ये है कि अगर आप अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हो, बात करते हो, चाहे आप अपने जो है इंग्लिश से घबराते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर हिंदी, अपना मराठी, तेलुगु, तमिल, जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो बोलने में, वो आती है, तो आप लोग के लिए ये जॉब बनी हुई है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि आप लोग का जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड, साफ साफ लफ्ज़ों में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप लोग 10+2 है, मतलब 12th पास हो आप लोग, या ग्रेजुएशन हो, फ्रेशर हो, उसके ऊपर जितनी भी डिग्री है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं पूछा है, आप बिल्कुल 12th पास हो, तुरंत यहाँ पे आके दौड़ के तुरंत अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा जो तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठे ही आप लोग को करना है। यहाँ पे देखिए कोई लैपटॉप का यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, कोई झंझट नहीं है लैपटॉप वगैरह का, सिर्फ अपने मोबाइल से करना है सारा काम। और काम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इस वीडियो में जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि मैं जो आप लोग को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे आप लोग को डायरेक्ट यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आचार का, और उसकी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। तो आप लोग अपना रिज्यूम डायरेक्ट वहां पर भेज सकते हो, और वहां पर जो है आप लोग कॉल करके अपना स्टेटस भी पूछ सकते हो। इससे आप लोग के चांसेस जो है 75 से 80% बढ़ जाते हैं यहाँ पर सेलेक्ट होने के। तो इसको बिल्कुल मत मिस करना। टेलीग्राम पर भी मैं उस चीज़ को शेयर कर दूंगा। लेकिन इसमें कैसे और भी चीज़ें जो पॉइंट हैं जो वीडियो में आप लोगों को मैं समझाऊंगा, जिसको बिना आप सुने अगर जाके वहाँ पे डायरेक्टली रिज्यूम कर दोगे तो वहाँ पे आप लोग को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल केयरफुली, कोई भी ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है वीडियो, ठीक है, 5 मिनट 6 मिनट का रहेगा, तो जल्दी से देख लेना। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर मार देना, और अगर आप पहली बार आ रहे हो इस चैनल पर तो मेक श्योर जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबा देना, और बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी डेली जॉब अपडेट्स मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं सब कुछ A to Z। तो दोस्तों यहाँ पे जो जॉब रोल और काम क्या करना है ये सारी चीज़ें पहले समझ लो, उसके बाद हम सैलरी और सारी चीज़ें समझते रहेंगे। तो सबसे पहले जो काम है दोस्तों यहाँ पे आप लोग का कस्टमर सर्विस का काम है, ठीक है। यहाँ पे जो डेजिग्नेशन भी शुरू में मिलेगी वो कस्टमर एसोसिएट की मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग को काम क्या करना है, काफ़ी सारे कंपनी ऐसे होते हैं जो आप लोग को कस्टमर सर्विस देते हैं लेकिन आप लोग को इंग्लिश बोलना पड़ता है, कई लोग उसमें नहीं बोल पाते। यहाँ पे ये सबसे बड़ा ऑफर और अपॉर्चुनिटी दे रहा है रिलायंस जियो कि आप अपने लोकल लैंग्वेज में अपने लोकल के लोगों से बात कर सकते हो, और जिसको बात करना, कन्वर्सेशन करना करने में मज़ा आता है, उसके लिए जॉब बहुत ही आसान है। मतलब आप अपने लोकल लैंग्वेज, अगर आप हिंदी जानते हो हिंदी में कर सकते हो, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, किसी में भी आप लोग आराम से कर सकते हो। बॉय गर्ल ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सबको यहाँ पर जाके अप्लाई करो, क्योंकि ये घर बैठे ही करना है। इसमें कोई भी आप लोग को मोबाइल या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, मतलब लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल आप लोग को मोबाइल से ही सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि वॉइस प्रोसेस है, वॉइस में आप लोगों को बात करनी है मेनली। इसमें जो है आप लोग मान लीजिए सेलेक्ट हो गए तो आप काम क्या करेंगे, ठीक है। तो काम इसमें यह है कि जो भी जियो के एप्लीकेशन हैं, ठीक है, कई सारे एप्लीकेशन होते हैं उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, वो सारी चीज़ें कस्टमर्स को समझानी होती हैं। कस्टमर के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, जैसे मैं रिलायंस जियो यूज़ करता हूँ सपोज, मतलब जो है और भी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसमें अगर कोई परेशानी आती है, ठीक है, तो मैं कस्टमर केयर को फ़ोन करता हूँ, तो वो देखते हैं आपकी एक दवाई है इंग्लिश के लिए, दो दवाई है हिंदी के लिए, ठीक है। तो वो दो दवाई है हिंदी के लिए आप ही रहेंगे, और उसमें आप लोग बताएंगे बिल्कुल हिंदी में कि भाई ये जो रिचार्ज आप करना भूल गए हैं रिचार्ज करिए, और ये अपडेट आ गया है, रिचार्ज की जो है प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, पहले जैसा नहीं रहा। तो वो सारी चीज़ें आप उसमें डालिए और बताइए। और कोई भी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कस्टमर पूछता है आपसे कि भाई मुझे नया कनेक्शन लेना है, प्रीपेड टू पोस्टपेड करवाना है या कैसा है, वाइस वर्सा, ये सारी चीज़ें आप लोग को समझानी है। कोई भी नया टूल आता है या कुछ ऐसा जियो का आता है तो आपको पहले बता दिया जाता है, ट्रेनिंग भी आप लोग को दी जाती है बाकायदा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके का बस आप लोग को काम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जान जाओ कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन है कि मैं इसमें अप्लाई कर लूँ, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन बहुत ही आसान है, 10+2 हो, मतलब 12th आपके पास है, मार्कशीट है आपके पास, पास हो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएशन फ्रेशर हो आप लोग तो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत बड़ा दायरा यहाँ पे दिया है, 12th से लेके मतलब ग्रेजुएशन और उसके ऊपर भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करना है। अब यहाँ सैलरी की बात कर लें दोस्तों, तो कस्टमर सर्विस में जो है रिलायंस जो जियो दे रहा है यहाँ पे आप लोग को 15,000 से लेके 20,000 तक की यहाँ पर मंथ सैलरी देती है, प्लस यहाँ पर जो भी इनके पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं वो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपका इंटरव्यू होगा स्टार्टिंग में, जो कि फॉर्मल्स और बहुत ईजी होता है, उस पर भी डिपेंड करता है, कभी कभी 25,000 तक पर मंथ भी आपका यहाँ पे जाता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों 12th पास हो या फिर इवन कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप ग्रेजुएट हो और स्टार्टिंग में सिर्फ बात करना है लोकल लैंग्वेज में, बिना
लैपटॉप के दोस्तों, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। जल्दी से जाके आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है उसको ध्यान से सुन लो, ठीक है। यहाँ पे जो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आप जाके पहुँच जाओगे रिलायंस की वेबसाइट पे। वहाँ पे आप लोग अपना डिटेल बिल फिल करना है, अपना रिज्यूम अटैच करना है। रिज्यूम में क्लियरली मेंशन करना कि भाई मेरा लोकल लैंग्वेज ये है, मैं इसमें बात कर लेता हूँ, अगर कोई एक्सपीरियंस पहले रहा है कस्टमर से बात करने का वो भी उसमें लिख लेना। जो भी क्वालिफिकेशन है, अचीवमेंट्स हैं, स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें आप लोग इसमें लिख लेना, ठीक है। विद इन 24 आवर्स के बाद आपके पास जो है कॉल या मेल आ जाती है और आपके पास इंटरव्यू शेड्यूल कर देते हैं। इंटरव्यू में आप लोग का बेसिकली, ये आजकल वीडियो इंटरव्यू ही हो रहा है, तो वीडियो के थ्रू आप लोग ऐसे बात हो जाएगी कि वो देख लेंगे जेन्युइन बंदा है और आपसे पूछेंगे कि जो है आप कैसे समझा सकते हो लोगों को अपने लोकल लैंग्वेज में। आप लोग को थोड़ी बहुत लिखने की भी आनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप मोबाइल पर किस तरीके से लिखते हो, क्या काम करते हो, ठीक है। और ज़्यादा टेक्निकल इसमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको बात करने पर कन्विंस ही करना है। सिनेरियो देंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है कैसे आप अपना अप्रोच बताइए, कॉन्फिडेंस देखेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें कुल मिला के देखेंगे। और उसके बाद आप लोग का शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपके विद इन 10 to 15 डेज आप लोग का यहाँ ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ऑफर लेटर मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है ये अपॉर्चुनिटी। लैपटॉप नहीं चाहिए, 12th है सिर्फ, ग्रेजुएशन है सिर्फ, और घर बैठे करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। डायरेक्ट मैंने यहाँ पर नीचे HR का जो है ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, जल्दी से जाके वहाँ पर अप्लाई कर देना, रिज्यूम भी सेंड कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर मार देना, और अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबा देना। बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, वो दबाना भूल जाते हो दोस्तों आप लोग, तो तभी आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो उसको ज़रूर दबा देना। और जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करके रखो, ज्वाइन करके रखो, क्योंकि वहाँ भी मैं डेली आप लोग के लिए जॉब्स लाता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।